हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का दीप्ति जायसवाल ब्लॉग में स्वागत है। तो ये लैपटॉप आ चुका है, लेकिन मैं अभी तक इसको स्विच ऑन नहीं की हूँ। आगे लैपटॉप का एक काम हो जाएगा एडिटिंग का, तो लैपटॉप में एडिटिंग होगी तो मुझे बहुत हेल्प हो जाएगा। लेकिन क्या है ना कि मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कुछ हम लोग को पैसे देने होते, परचेज करने होते। जो भी मेरे बजट में आएगा मैं चाहूंगी कि मैं परचेज करके अच्छी क्वालिटी की मैं ब्लॉग बनाऊं और आप लोगों को एंटरटेन करूं, और उसमें जितना मुझे नॉलेज है हेल्थ रिलेटेड सब कुछ मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। ये वॉलपेपर, अरे ये तो आदि है। ये आदि है, ये मैं हूँ, 8 साल पुराना है ये। कुछ मैं नाश्ता हस्बैंड और बच्चों के लिए बनाई हूँ। पोहा मैं तो नहीं खाऊंगी, आप लोग जानते हैं कि मैं वेडनेसडे से, यानी कि आज सैटरडे है तो आज है 4th दिन मेरा कच्चा खाने का। मैं 5 दिन के लिए कच्चा खाने का बनाई थी ना प्लान, तो आज 4th दिन है, कुछ वैसा लग नहीं रहा है, मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि मुझे खाना चाहिए, कुछ भी लालच नहीं आ रहा है नमक खाने का। तो ये अंदर से एक जुनून रहता है ना कि मुझे करना है तो करना है, जब ये खुद में ठान लेते हैं ना तो कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी अच्छा खाना सामने आ जाए ना तो खाने की इच्छा नहीं करती है। वही मेरे साथ हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लाडो के प्लेट में मैं हस्बैंड को दे दी थी पोहा, तो लाडो करिए तो मेरा प्लेट है और हम अपने प्लेट में किसी को खाने नहीं देंगे, तो अपना प्लेट वो पापा से ले ली और उनके प्लेट में ज़्यादा पोहा था तो वो थोड़ा सा कम कर दी है। और यहाँ पे आदि को भी मैं पोहा दे दी हूँ। लाडो रो रही है क्योंकि इसको मम्मी की तरफ से मिल गई है पिटाई। मेरे पास आई थी मम्मी, मोबाइल चाहिए, थोड़ा सा मोबाइल चाहिए, थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसको पोहा बना के दी ना तो कहे कि मोबाइल मिलेगा तो ही मैं पोहा खाऊंगी, तो इस बात के लिए तो थोड़ा सा प्रसाद मिलना चाहिए। उठ जा बेटा, तुमको होमवर्क भी बनाना है ना। लाडो उठ जा, प्यार चाहिए, ठीक है आ जाओ प्यार करेंगे, आ जाओ प्यार करेंगे, आ जाओ। अरे उठे बैठे तो ना प्यार कर पाएंगे, ऐसे लेटे रहोगे तो कैसे प्यार करेंगे। चलो बैठो। अरे अरे ऐसे, मम्मी को योगा भी करना, अभी मम्मी योगा फिनिश नहीं की है। नाखून निकल गया आपके कपड़े पे। अच्छा मेरे कपड़े पे लगा दिए नाखून। अरे मम्मी लोग ड्रेस है ना ऐसे ही होता है, तुम लोग का नाखून से ही साफ होता है। चलो ऐसे भी मम्मी को नहाना है, अभी हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद हम नहा लेंगे। लेकिन बच्चों की आदत पता है कब बिगड़ी है मेरी, जब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी ना 2 साल पहले, अब मैं हरिद्वार गई थी दोनों बच्चों को हस्बैंड के साथ छोड़ करके, तो ये लोग माँ को खोजते थे। मेरे हस्बैंड ना इन लोगों को मोबाइल दे करके, टीवी दिखा करके, कार्टून दिखा करके खाना खिलाते थे ना, उस वजह से ना बच्चों की आदत बिगड़ गई। हालांकि अभी 70-80% आदत इसकी सुधरी है, लेकिन फिर भी 20-30% आदत अभी भी खराब इन लोग का है। मैं इंतजार कर रही हूँ कि लाडो का मोबाइल का आदत कब छूटेगा। आदि को मोबाइल का आदत नहीं है, उसको मोबाइल मांगे ना तो उसको तो इतने मिलेंगे। हिम्मत है, खाना खाने के लिए मोबाइल चाहिए क्या? नहीं नहीं, आदि बहुत सीधा साधा है, इसको पता है मम्मी धुन देगी। इसके साथ क्या है ना प्लस पॉइंट, ये लड़की है इसीलिए इसको हम पीट नहीं पाते। अगर ये लड़का होती ना तो इसकी आदत तो कब की गई होती, मोबाइल मांगने की हिम्मत भी नहीं होती, पर लड़की है ना तो ये प्लस पॉइंट की वजह से। सैटरडे को मैं बहुत ही रिलैक्स फील करती हूँ, काम तो बहुत होता है और दिन से ज़्यादा काम होता है सैटरडे को, क्योंकि डीप क्लीनिंग वगैरह भी करना रहता है इस वजह से, पर हस्बैंड सपोर्ट कर देते हैं। तो आज है 4th दिन वेडनेसडे से मैं स्टार्ट की थी कच्चा खाने का, और कल है 5वां दिन। तो मैं सुबह सुबह प्राणायाम कर ली थी और अभी मैं आसन कर रही हूँ नाश्ता वगैरह बनाने के बाद। तो सुबह का मैं ब्लॉग नहीं शूट की, सुबह उठते के साथ मोबाइल में तुरंत ब्लॉग बनाने बैठ जाओ अच्छा नहीं लगता, हेल्थ के लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता बहुत ज़्यादा मोबाइल पे रहना। लेकिन प्लान बनाई हूँ कि मैं संडे से लेके मॉर्निंग टू इवनिंग मैं संडे का ब्लॉग मैं बनाऊँगी, क्योंकि कल है 5वां दिन। मैं आपको बोली थी कि मैं 5 दिन के लिए कच्चा खाना खाऊँगी, कोई भी पका हुआ खाना नहीं खाऊँगी, तो कन्फ्यूजन ये है कि मुझे मज़ा बहुत आ रहा है कच्चा खाने में। मैं नॉर्मल डाइट में थी ना तो उस समय उतना अच्छा फील नहीं कर रही थी जितना अच्छा आज मैं फील कर रही हूँ। सोचिए आज 4th दिन है, शाम का दिन है, तो 5 दिन तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसके बाद कंटिन्यू मैं कच्चा खाना ही खाऊँगी 1 महीने 1.5 महीने, अभी वो माइंड में आ रही है, या फिर मैं पका हुआ भोजन खाने लगूंगी, या फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं दिन में 1 टाइम पका हुआ भोजन खाऊँ। तो ये मैं कल शाम में डिसाइड करूँगी, कल के ब्लॉग में मैं आपको ये बताऊँगी मैं क्या डिसीजन ले रही हूँ।
एक और आप बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, मैं कोई भी औषधि तो नहीं ले रही, पर मैं सोच रही हूँ कि कल 5 दिन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं ताज़ी औषधियाँ पहले लिया करती थी ना 2 साल पहले, गिलोय, कच्चा हल्दी, नीम, तुलसी, वो मैं स्टार्ट करने की सोच रही हूँ। तो वो मैं मे भी शायद मैं मंडे से स्टार्ट कर दूँ, कैसा क्या रहेगा मैं आप लोगों से हर चीज़ शेयर करूँगी। और एक डिमांड आया है कि मैं एक एक पॉइंट बताऊँ, मैं जो क्रिटिकल बीमारी से बाहर आई, थायराइड जैसे बीमारी से बाहर आई, वो सब कैसे मैं बाहर आई उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करूँ, तो वो लंबा वीडियो जाएगा, लगभग आधे घंटे का जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि एक भी पॉइंट ना छूटे। तो योगा करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत साफ़ सफ़ाई आज कर ले रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, और थोड़ी सी हस्बैंड के साथ मस्ती करने की भी सोच रही हूँ, क्योंकि वो घर पे रहते हैं ना तो बहुत बोर टाइप के रहते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं थोड़ा सा चुलबुली टाइप की और हस्बैंड थोड़ा सा सीरियस टाइप के, बहुत ही सीधे साधे हैं, तो मैं थोड़े से उनके साथ मस्ती कर लेती हूँ, तो उनको भी मस्ती करना बनता है ना, वीकेंड में घर में बैठे रहेंगे, घर के काम करने मेरा हेल्प करते, तो अच्छा नहीं लगता है कि एकदम बोर टाइप में रहे। आ रहा है बहुत, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब ये अपना चिकन बनाएंगे, किचन साफ करेंगे, बर्तन धोएंगे, उसके बाद मैं अपना लंच की तैयारी करूँगी। लंच की तैयारी मतलब क्या, जूस वगैरह बनाना है, लेकिन किचन में इतना स्मेल है ना कि मैं रह नहीं पाऊंगी। चिकन मटन कुछ भी बनता है तो नहीं, वो तो मैं हाथ भी नहीं लगाती। मुझे बहुत प्राउड है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैं वेजिटेरियन हूँ। लेकिन ये देखिए घड़ी 11:30 बज चुका है, नहा करके आती हूँ, फिर देखते आज का सैटरडे कैसा जाएगा। मुझे तो फीका फीका वीकेंड जाता है बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हस्बैंड जी कुछ इंटरेस्टिंग बनाइए सैटरडे को। चिकन वो अपने लिए बना रहे हैं, हम इंटरेस्टिंग कह रहे हैं, दिन को अच्छा बनाना है तो खा। तो किचन का काम नहीं दिए तो कौन सा, उसमें मेरा क्या इंटरेस्टिंग रहा कि किचन से छुट्टी कर दिए। पार्क जाना इंटरेस्टिंग नहीं होता है, पत्ते वत्ते नहीं खेलना है, पत्ते कौन खेलना चाहता है, हमको इंटरेस्ट नहीं है पत्ते खेलने में। तुम्हें सजेशन दो ना, मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन हमको अच्छा तब लगता है जब आप कुछ सोचे। हम लोग कार की सवारी करते हैं, ठीक है, बच्चों के साथ बच्चों जैसा मस्ती करना तो मम्मी पापा को तो बनता ही बनता है। पतले तुमने हैं, हाँ इधर क्या कहते हैं, कच्चा खाना खा खा के। और आपको कहाँ जाना है, ले चले CST कार में, ट्रैफिक में फंस जाइएगा, इससे अच्छा ट्रेन में निकल जाइए। हम आपको कार में कहीं घुमाने नहीं चलते हैं। तो कहाँ ले जाएंगे आपको, कहाँ जाना है? बीच। बीच, ठीक है, चलिए बैठिए आइए। कितना पैसे लगेंगे? फ्री का है, हम आपको घुमाने ले जा रहे हैं। अब वो वाला कौन सा कार है? वो मेरी बिटिया रानी हो, भाई बन जाएगा। अरे चलिए तो हर जगह बच्चों को घुसाते। चलिए मारो, तो क्या करेंगे, मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे बताइए। हमें अभी चिकन बनाना है। चिकन बना करके ही तो मेरा दिन खराब कर दिया, आपका किचन से छुट्टी कर दिया। वो चिकन में हम किचन में बहुत अच्छा अच्छा चीज बनाता था, पर अब फंसा दिया किचन खराब कर। एक तो साल भर बाद हाथ दूर, इसलिए तो दूर में ऐसे ही पकड़े है ना। माँ, चिकन निकाले ना। पर हम चिकन छूते ही नहीं है, तुम कैसे निकाले, दांत में फंस कैसे गया? खा रही थी, आदि खिलाया था, छुओ नहीं, मेरे को छूना नहीं है। चलो आदि, मैं चिकन छूंगी एकदम नहीं, चलो जाओ जाओ, भैया भैया तुम्हारा निकालेगा, जाओ निकल गया, निकल उधर उधर, पता नहीं क्या है ये सब सिचुएशन। मुझे लगता है ना कि भाई अगर कोई वेजिटेरियन आदमी मिल जाए तो शादी करने के लिए। देखिए सैटरडे को ना मेरा बिजी शेड्यूल रहता है बहुत ही ज़्यादा, मेरा आज का दिन बिजी गया है, तो अभी मैं जस्ट डांस क्लास से आई हूँ, मैं पैदल आ गई घर, जबकि 10 से 15 मिनट लगता है डांस क्लास से घर आने में, और मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए पहुँच गए थे डांस क्लास, वहाँ से फ़ोन किए कि आ जाओ, तो मैं बोली मैं तो घर तक पहुँच गई हूँ। तो बोले ठीक है, अगर आप बाइक लेके बाहर हो ही, देखिए हस्बैंड बाइक लेके बाहर है, मुझे लेने के लिए आ गए थे डांस क्लास, लेकिन मैं घर पहुँच गई, वापस आई हूँ घर से बाहर, और मैं इनको बोली मुझे गन्ना जूस पिला दीजिए, चलिए गन्ना जूस पिलाने। रात में बाइक में घूमना कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग घर के आसपास ही एरिया में, ये मैं सोची कि बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं। इसमें ना नमक डाल दिए थे, वो पूछे भी नहीं, और आप जानते हैं कि मैं नमक नहीं ले रही क्योंकि हेल्थ पर अगर ध्यान देना है तो नमक चीनी से पूरा दूर रहना चाहिए। आज है 4th दिन नमक नहीं ले रही हूँ, तो और सादा गन्ना जूस है, क्योंकि मुझे ना मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था, नमक का नहीं बल्कि मीठा खाने का मन कर रहा है। थैंक यू।
थोड़ा ताकत आया, इतना डांस किया, डांस करने पसीना गया, मैं थक गई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। आज है सैटरडे और ये ब्लॉग आज ही आपको मिलने वाला है, अभी जबकि 8:15 बज रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि 8:30-9 बजे तक ये ब्लॉग आपको मिल जाए।